नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ट्रेंडिंग मार्केट में। दोस्तों आज हम आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक आपके सामने लाए हैं जिसका फंडामेंटल देखे तो काफ़ी स्ट्रांग है और बिल्कुल डेबिट फ्री देखने को मिला है। और इसका फंडामेंटल की बात करें तो काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियाँ का डिमांड हर जगह है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं तब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियाँ का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो वैसे शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करें जिसका फ्यूचर काफ़ी आने वाले दिनों में ब्राइट देखने को मिले। तो चलिए जानते हैं वो कौन से शेयर है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं मात्र 60 रुपये 30 पैसे का ये स्टॉक है जिसका करेंट प्राइस काफ़ी कम देखने को मिला है। वहीं एक समय ये 100 रुपये के पास पहुँच गया था, लेकिन धीरे धीरे कुछ कारणवश इसका शेयर डाउन देखने को मिला है। लेकिन अब ये आने वाले कुछ दिनों में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। वहीं 6 मंथ में आप देख सकते हो डाउन, 1 मंथ में डाउन और 5 डेज में भी डाउन। 1 डेज में देखें तो 1% की तेजी देखने को मिला है। तो ये आज कोई रिटर्न्स देखने को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। और तो जानते हैं इसका फंडामेंटल के बारे में। जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो काफ़ी बेहतर देखने को मिला है, जो कि आप देख सकते हो जून 2021 से लगातार ये बढ़ता हुआ क्रम में देखने को मिला है। और जून 2022 में देखें तो 17% का प्रमोटर होल्डिंग है। वहीं फिल्स की होल्डिंग भी बढ़ी है, जो कि आप देख सकते हो। वहीं पब्लिक की होल्डिंग में आप देख सकते हो काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, एवरेज देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो काफ़ी इस पर प्रमोटर ने भरोसा किया है, जो कि आप देख लो। वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो जिसका रिजर्व देखें तो एक समय 0 हुआ करता था, 0 देख सकते हो, लेकिन जून 2022 में देखें तो इसने 36 करोड़ का इसका रिजर्व देखने को मिला है। वहीं इस कंपनी पे कर्ज की बात करें तो मात्र 0 देखने को मिला है, 1 भी रुपया इस पर कर्ज नहीं है, जो कि एक काफ़ी अच्छा माना जाता है। वहीं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स इस कंपनी को देखने को मिला है, जो कि आज देखें तो इसका जून 2022 में इसने 54 करोड़ का कारोबार किया है और मार्च 2022 में इसने 81 करोड़ का कारोबार किया है, जो कि काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देख सकते हो एक समय माइनस में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ाना शुरू कर दिया। इसने 3 करोड़ 60 लाख का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है, जो कि काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। वहीं कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेबिट फ्री है, जो कि आप देख सकते हो, और गुड क्वार्टर में है। और आप देख सकते हो प्रोफाइल की बात करें तो इसने ग्रोथ रेट जो कि है काफ़ी 5 ईयर्स में इसने काफ़ी बेहतर रिस्पांस दिया है, 285% का। और डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 27.2% देखने को मिला है, जो कि एक बेहतर देखने को मिला है। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1554 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका करेंट प्राइस की बात करें 60 रुपये देखने को मिला है। वहीं कंपनी 47 रुपये लोएस्ट देखने को मिला, वहीं हाइएस्ट इसने 101 रुपये लगाया। स्टॉक भी काफ़ी हाई देखने को मिला है, बुक वैल्यू काफ़ी कम देखने को मिला है। डिविडेंड की बात करें तो 0.12% देखने को मिला है। ROE की बात करें तो काफ़ी बेहतर देखने को मिला है, और फेस वैल्यू 1 रुपये देखने को मिला है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 17% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। डेथ ऑफ इक्विटी बिल्कुल 0 है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9 करोड़ 83 लाख का इसने नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक देखने को मिला है। वहीं सेल्स की बात करो तो 228 करोड़ का इसने सेल्स दिया है, और ये बिल्कुल डेबिट फ्री है। और सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर देखने को मिला है, 382% का इसने सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। और रिजर्व 36 करोड़ का रिजर्व है, और 1 ईयर्स में कोई ऐसा रिटर्न्स इसने अभी फिलहाल नहीं दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.37 पैसे देखने को मिला है। और ये BSE पे लिस्टेड है, और इसका नाम बता दूं तो इसका नाम है वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड, जो कि आप देख सकते हो। और अबाउट की बात करें तो आप देख सकते हो काफ़ी बेहतर इसका सेक्टर है, जो कि आप देख सकते हो। जो आप देख सकते हैं ये कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स EJOY बाइक नाम की ये कंपनी गाड़ी बनाती है, और इसका देखिए तो ये 2016 में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टार्ट की है, जो कि लो स्पीड से हाई स्पीड तक इसने मॉन्स्टर वोल्फ नामक गाड़ी बनाई है, टू व्हीलर्स, जो कि आप देख सकते हो। और 74% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है, और इसका जो प्लांट देखने को बड़ोदरा में इसका प्लांट है 70,000 स्क्वायर फीट में देखने को मिला है, जो कि आप देखो लो पढ़ सकते हो आप। और ये कंपनी हर राज्य में अभी काम कर रही है स्टेट में, जो कि आप देख सकते हो गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश में अभी कारोबार कर रही है, जो कि आप देख लो काफ़ी अच्छा ये सेक्टर का स्टॉक है। तो आप इस शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।